हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेई मेन ऑब्लिक एआई ट्रिपली ईयर 2002 to 2018 तक चैप्टर कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोजैलिक एसिड का डिस्कशन करेंगे। तो 2019 एंड 2020 ये जो है बच गया है, इसको एक साथ करेंगे क्योंकि लगभग 40 पेपर हो जाएगा। और जब 2020 का जेई मेन 2 हो जाएगा, जो अप्रैल वाला जुलाई में होने वाला है, उसके बाद दोनों पेपर को एक साथ चैप्टर वाइज डिस्कस कर देंगे। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन बता देंगे, फिर आंसर बता देंगे, उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ऑप्शन ए बी सी डी, फोर्थ का ऑप्शन ए बी सी डी, उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन और फिर आंसर की सभी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कार्बोजैलिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 से, तो ए बनता है। उसके बाद अल्कोहलिक केवर से करते हैं तो बी बनता है, और बी क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 ये एक्चुअली में HBZ रिएक्शन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो कार्बोजैलिक एसिड के बाद नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन है, इससे हटे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लगेगा। तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्लोरीन लगा दीजिए, तो ए आपका होगा CH3CH और यहाँ से Cl और उसके बाद COOH। अब अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH में इलिमिनेशन होता है, E2 रिएक्शन, तो यहाँ से Cl, यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक H जाएगा तो CH3 से CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लोरीन चला गया CH और COOH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, कौन सा ऑप्शन है? डबल बॉन्ड तो एक ही में है, ऑप्शन सी यही करेक्ट आंसर है, बी आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। इसके बाद सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिएक्शन विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव द कोरस्पोंडिंग अल्कोहल एंड एसिड। तो ये बोल रहा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन हो तो अल्कोहल प्लस कार्बोजैलिक एसिड मिले, मतलब कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए केनिजारो रिएक्शन होगा, तभी तो केनिजारो का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है बेस के प्रेजेंस में तो अल्कोहल प्लस कार्बोजैलिक एसिड बनता है। लेकिन केनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन का अब्सेंट होना जरूरी है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, एल्डोल हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले तो कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, तो ये फिनोल नहीं होगा, बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा, बेंजल डिहाइड और ब्यूटानल दो एल्डिहाइड है। अब इसमें से अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो केनिजारो नहीं देगा, एल्डोल रिएक्शन करेगा, तो ब्यूटानल होता है आपका CH3 CH2 CH2 CH2। तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, केनिजारो नहीं करेगा। बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, बेंजीन से CHO अटैच है, तो एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, और ऐसे भी ये अल्फा कार्बन ही नहीं है क्योंकि sp3 कार्बन होना चाहिए, ये sp2 है, तो sp2 है तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा और PHCH2OH प्लस PHCOOH बनाएगा, मतलब कोरस्पोंडिंग अल्कोहल एंड एसिड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद फिर थर्ड, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सानॉन, साइक्लोहेक्सानॉन, तो ये इस तरह से सिक्स मेंबर का रिंग, यहाँ से डबल बॉन्डो, तो ये साइक्लोहेक्सानॉन हो गया विथ डाइमिथाइल एमीन, तो डाइमिथाइल नाइट्रोजन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, CH3 CH3 और एक हाइड्रोजन रहेगा, डाइमिथाइल एमीन है। तो इसके साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ एसिड फॉर्म से कंपाउंड, तो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एच प्लस ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ देखिए कार्बोनिल और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये जब अटैक करेगा तो ये ओ माइनस इस तरह से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास यहाँ से एन और ये ओ माइनस और एच, उसके बाद फिर CH3 CH3
CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए एच प्लस चेंज करेगा और ये एच प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो फिर से यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह से NCH3O2 और यहाँ से OH, ये अपना एच प्लस रिलीज कर दिया स्टेबिलिटी के लिए। इसके बाद बोल रहा है कि इफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड द कंपाउंड फाउंड इज जनरली नोन एज। तो वाटर कंटिन्यूअसली रिमूव हो रहा है मतलब इससे माइनस एच टू हो रहा है, तो OH और यहाँ से H हटा दीजिए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से NCH3O2 माइनस एच टू के बाद ये आपका इनामीन होता है, इसका नाम इनामाइन। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एन इमीन इमीन एनिमीन अस्चिप्स बेस। तो एक्चुअली में इनामीन तो कहीं नहीं लिखा है, तो इसको जो है करेक्ट कर लीजिए, ई एन ए पहले कीजिए उसके बाद MINE, एन इनामीन और फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इनामीन होगा। अब इनामीन का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे एक आर ग्रुप अटैच रहे, उसके बाद फिर इससे नाइट्रोजन अटैच रहे और नाइट्रोजन से दो आर ग्रुप, ये यहाँ से इस तरह से आर डैश और आर डबल डैश अटैच कर दीजिए, दो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच कर दीजिए और इस कार्बन से भी दो अल्काइल ग्रुप रहेगा आर ट्रिपल डैश और इस तरह से। तो यही फॉर्म तो ये वाला है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे अल्काइल ग्रुप है आर आर, फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है और इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है CH3 और CH3, तो यही आपका इनामीन कहलाता है, जनरल स्ट्रक्चर ये होता है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा एन इनामीन। इसके बाद फिर इन केनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो द स्लोवेस्ट स्टेप इज, तो आपको केनिजारो का अगर मैकेनिज्म ध्यान हो तो सबसे पहले तो OH- अटैक करता है तो pH सी, और जब OH- अटैक करता है तो डबल बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट होता है तो CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- बना लेता है और यहाँ से OH। उसके बाद जब फर्दर ये डबल बॉन्ड बनाता है तब जाके ये H हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलता है H- और यही आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है H- रिलीज करना, तो यही आपका RDS होता है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल के दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करता है मतलब ट्रांसफर होता है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसलिए तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद वाला ऑप्शन में देखिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH। तो एक्चुअली में प्रोटॉन एच प्लस एक्सट्रैक्ट करना एसिड बेस रिएक्शन होगा, एच प्लस जब एक्सट्रैक्ट होगा तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है और ये बोल रहा है सबसे स्लो होगा, तो ये तो गलत है। और यहाँ पे डिप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH, तो PHCH2OH का डिप्रोटोनेशन होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस आपका रहता है NaOH, तो NaOH उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि वो अल्कोहल का H प्लस के साथ रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये उतना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इनफैक्ट वाटर से भी वीक एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होता है, जबकि आप वाटर को न्यूट्रल एज्यूम करते हैं, फिर भी अगर वाटर और अल्कोहल में कंपैरिजन किया जाएगा तो अल्कोहल से ज़्यादा इजीली एच प्लस वाटर रिलीज करता है, तो आप जब वाटर को न्यूट्रल मानते हैं तो अल्कोहल उससे भी वीक एसिड होता है, तो ये डिप्रोटोनेशन करता है स्ट्रोंग बेस के प्रेजेंस में, जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट वगैरह हुआ RMGX, ये सब स्ट्रोंग बेस है, तो इसके साथ OHROH अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, द अटैक ऑफ OH- एट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये आपका स्लोएस्ट स्टेप नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हो रहा है OH- का अटैक। इसके बाद फिर ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड आपका होता है CH3CHO, तो यहाँ तीन हाइड्रोजन रहता तो एसिटल्डिहाइड होता, लेकिन ट्राई क्लोरो मतलब कि यहाँ तीनों हाइड्रोजन की जगह तीन क्लोरिन अटैच कर दीजिए, ये आपका ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड होगा। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, वार सब्जेक्टेड टू केनिजारो रिएक्शन यूजिंग NaOH, तो NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो केनिजारो ही होगा, क्यों,
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पड़ियन नहीं है, कार्बोनिल के बाद नेक्स्ट कार्बन, यहाँ से तीन हाइड्रोजन था तीनों को हटा के सीएल अटैच कर दिया, मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन पड़ियन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपका केनिजारो रिएक्शन ही होगा। द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन सोडियम ट्राई क्लोरो एसिटेट एंड अनदर कंपाउंड, द अदर कंपाउंड इज। तो जब केनिजारो रिएक्शन होगा तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो CH2OH प्लस COOH बनाएगा, तो आपके पास COOH वाला तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, COOH जो बनेगा यहाँ से CCl3 और COOH, तो ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके COO- और Na+, मतलब COOH जो है अपना H+ दे दिया, तो COONa बनाएगा, जिसको कि बोल रहा है सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट, ये जो साल्ट बना है। तो और दूसरा प्रोडक्ट अल्कोहल होगा COH प्लस CH2OH, तो यहाँ पे CHO की जगह CH2OH लगा दीजिए, तो CL CL CL, उसके बाद फिर CH2OH, यही आपका प्रोडक्ट है। अब देख लीजिए 2-2-2 ट्राइक्लोरो इथानल, तो हाँ सही है, दो कार्बन है तो इथानल, और सेकेंड से तीन क्लोरीन अटैच है तो 2-2-2 ट्राइक्लोरो इथानल, यही नाम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ ट्राइक्लोरो मिथानल बोल रहा है, मिथानल तो है ही नहीं, मिथानल के लिए एक ही कार्बन चाहिए, CH3OH होता है मिथानल। 2-2-2 ट्राइक्लोरो प्रोपानल, तो तीन कार्बन आइटम हो गया जबकि दो है, क्लोरोफोन, क्लोरोफोन होता है CH Cl3, तो ये भी तो नहीं ही होगा। अब जो है यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोजाइलिक एसिड का प्रीवियस ईयर जेई मेन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।